जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस अनदर व्लॉग। सबसे पहले मैं आज आया था पिशावर में अरबाज डियार क्रिकेट स्टेडियम में, सही है। और ये आई थिंक कंस्ट्रक्शन में तकरीबन कोई 80% कंप्लीट हो चुका है, सही है। सो भी मैंने मैनेजमेंट से पूछा भी कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2-3 साल से हम सुन रहे हैं कि SPSL में इसको होस्ट करेंगे, SPSL में होस्ट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कह रहे कि नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्टेड है कि इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मतलब 80% से ज़्यादा इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो चुकी है। ग्राउंड लेवल पे तो सारा कुछ हो चुका है, लेकिन ऊपर जो एरिया वगैरह है, सिटिंग एरिया, वो कुछ रहता है। सर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं फ्यूचर क्रिकेटर, सही है। सबसे पहले मैं आज आपको एक हार्डवर्किंग बॉय की, हार्डवर्किंग क्रिकेटर की, और मेरे मोस्ट फेवरेट हार्डवर्किंग कज़न की मतलब मीन टू से जो स्ट्रगल है, जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको पता है कि मैं क्रिकेट लवर, सही है। एंड हम दोनों ने क्रिकेट एक साथ स्टार्ट किया था बैक दिन 2016 में, सही है। फिर मैंने आगे एजुकेशन की वजह से उसको प्रोसीड नहीं किया, कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन मेरे जो कज़न हैं इससे तकरीबन कोई मुसलसल कंटिन्यूसली फ्राम 6 to 7 years कंटिन्यूसली मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, सही है। सो इनसे पूछते हैं कि लाइक इसने क्रिकेट स्टार क्यों किया, क्योंकि मुझे याद है कि मैं सोचा कहता था कि क्रिकेट खेलते तो ये कहता कि यार ये क्या फसूल सा वो है ना, लेकिन आज ही सब क्रिकेटर, सही है जी। ये है मिस्टर शायान खान, सही है, मेरे कज़न, और मेरे आप समझ सकते हैं कि मोस्ट फेवरेट कज़न। ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फ्राम लास्ट 7 years, हार्ड बॉल वाले क्रिकेटर। और अभी ये जमखाना में क्रिकेट खेलते, आज भी उनका मैच था, वो मैच मैंने कुछ क्लिप वगैरह भी रिकॉर्ड किए। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी इनसे भी पूछेंगे और कुछ इनकी जो हार्ड वर्किंग जो स्टोरी है, सही है। 7 years जो काफ़ी लॉन्ग टाइम है, तकरीबन कोई 7 years से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप उसको एक दिन डोमेस्टिक लेवल पर, फिर एक दिन नेशनल लेवल पर भी PSL में, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इसको पाकिस्तान टीम में ले देखेंगे, सही है। सो वो दिन आएंगे। आप इससे पूछता हूँ कि इसने क्रिकेट क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है इसको क्रिकेट पसंद नहीं थी जी। हम मैंने और मेरे कज़न ने एक ही दिन एडमिशन लिया था पिशावर जमखाना में, तकरीबन कोई उस वक्त मेरे ख्याल में आई वॉज इन FSC फर्स्ट ईयर में था। हम दोनों ने एक दिन एडमिशन लिया था जो पिशावर जमखाना में, लेकिन फिर मैंने आगे कंटिन्यू नहीं कर सका एजुकेशन की वजह से, और काफ़ी भी फाइनेंशियल वगैरह सपोर्ट की वजह से, और भी कोई सॉलिड रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन मेरे कज़न उस दिन से लेके आज तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं, सही है। अच्छा, इसकी मतलब क्रिकेट की जो 7 years की जो स्ट्रगलिंग स्टोरी है, सही है, वो लाइक इस तरह नहीं है। मेरे जो अंकल हैं लाइक वो ही इज़ अ बैग, आप कह सकते कि बैग बून है इसके पीछे। ही यूज़ टू कम, मुझे याद है, वो पिक करता था, वो ड्रॉप करता था, सही है। वो ख़ुद उसकी मतलब जो जितने भी आपको पता है बीन ए क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपेंसिव वो स्पोर्ट्स है, और फिर जब हार्ड बॉल आप खेलते तो आपको मतलब एक्सपेंसिव बेयर्स और पूरी की पूरी आपको किट चाहिए, सही है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है सो आई थिंक आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, जो वो बहुत ही कम प्लेयर्स होते हैं जो आगे वो हो जाते हैं, सही है। सो लाइक मेरे अंकल ही यूज़ टू कम, पिक करते थे, ड्रॉप करते थे, सही है, अभी भी करते हैं। सो सबसे पहले जो इसकी मतलब क्रिकेट की जो स्ट्रगलिंग स्टोरी है 7 years का, उसके पीछे मेरे अंकल का वो है, एंड ही राइट नाउ ही यूज़ टू सपोर्ट, पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं, सही है। सो पहले वो जो मुझे पता है कि जो रीज़न थी क्रिकेट स्टार्ट करने की, वो मेरे अंकल थे, और उसकी वजह से लाइक अभी तक ये कंटिन्यू कर रहा है, सही है। और इसके बाद फिर मैं इससे पूछता हूँ कि ये अभी तक इसने क्या, इसका वो स्ट्रगल है, कब इसने स्टार्ट किया था, अभी तक ये किस लेवल पे खेल रहे हैं, सही है, खेल भी नहीं रहे, कुछ आता है कि नहीं आता, सारा मैं इनसे अभी ही पूछूँगा।
मैं शायान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सही है कि उसने अपनी मैनेज को कहा कि आपका मैच कब है, मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसने कहा कि कल आप आ जाइए। आई एम वेरी मच थैंकफुल सही है कि आप एंड यू आर द राइजिंग स्टार सही है। इंशाल्लाह आपकी ट्रायल भी पास करेंगे जो आपकी रीजन लेवल वाला है, डिस्ट्रिक्ट वाला है, फिर रीजन वाला है, उसके बाद इंशाल्लाह टाइम बताएगा सही है। अभी 2023 है, इंशाल्लाह मैं आपकी वीडियो दोबारा जब मैं आया पाकिस्तान तो आपकी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करूँगा और इंशाल्लाह टाइम बताएगा कि आप मतलब कितनी हार्ड वर्किंग है सही है। सो थैंक यू सो मच। आयान मुझे बताएं आपने क्रिकेट कब स्टार्ट किया था, डू यू रिमेम्बर डेट ईयर्स वीक मुझे बताएं। मैंने क्रिकेट 16 जून 2016 को शुरू किया। 16 जून 2016 अच्छा सही है कि मतलब आपने क्रिकेट 2016 में स्टार्ट किया है एंड टुडे एट द एंड ऑफ 2000 टू से 16 17 18 एंड 20 तकरीबन कोई आप 7 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं यार। हाँ अच्छा मुझे बताइए अभी आप राइट नाउ इस आप अभी करंटली कौन से पोजीशन में खेल रहे हैं, 16 है 13 है 19 है जो भी है मुझे बताएं। मैं पिछले साल 16 से 16 में एवरेज हुआ था और एज की वजह से फिर क्या हुआ, फिर मैं बाहर हो गया, फिर 2012 में गया ट्रायल नहीं दिया। अच्छा सही है। और अभी 19 के ट्रायल आ रहे हैं इंशाल्लाह। अभी 19 के ट्रायल है तो अभी आपका 19 अंडर 19 के ट्रायल्स कब स्टार्ट होने वाले हैं? 19 के ट्रायल 12 दिसंबर को है इस अगले मीन टू से नेक्स्ट मंथ के सेकंड वीक में या। हाँ अच्छा फिर ट्रायल इंशाल्लाह आप लेट्स सपोज आप ट्रायल हो गए आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद फिर आप अंडर 19 खेलेंगे। फिर मैं 19 डिस्ट्रिक्ट खेलूंगा उसमें परफॉर्म की बात होती है, परफॉर्म करूं तो रीजन में आ जाऊंगा। रीजन नहीं डिस्ट्रिक्ट से मुराद पिशावर लेवल पे या केपी के पे लेवल पे? पिशावर के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पे खेलूंगा। अच्छा सही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके बाद फिर रीजन में सारी चारसद्दा मर्दा निपटाबाद इशारों से एक टीम बनता है। अच्छा पिशावर का पिशावर रीजन में होता है, फिर वो कराची मुल्तान इस्लामाबाद क्वेटा जाते हैं उधर मैचेस खेलते हैं। अच्छा मेन टू से आपको अभी नेक्स्ट सेकंड वीक दिसंबर में आपकी ट्रायल है अंडर 19 का, लास्ट टाइम आप अंडर 16 में ट्रायल आपने नहीं दी सका बिकॉज ऑफ द ओवर एज चाहिए, इस दफ़ा आपकी एज वगैरह सारा कुछ चीज़ें ओके हैं और मेन टू से आप ट्रायल हैं, इंशाल्लाह आप उसको पास करेंगे उसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद मतलब पिशावर वगैरह में आप प्ले करेंगे राइट, और उसके बाद फिर आप उसको प्रोसीड करेंगे रीजन पे एंड इसका स्टेप बाय स्टेप सही है इस तरह ही। हाँ इस तरह ही। अच्छा मुझे ये बताएं आज का जो मैच था वो अनफॉर्चुनेटली आप हार गए सही है, आई थिंक आप आज का मैच हार गए थे, ये कौन सा मैच था, प्रैक्टिस मैच था कोई जमखाना लेवल का कोई मैच था मुझे बताएं। ये एक बहुत अहम मैच था शमा के साथ। अच्छा ऐसे मैच और शमा का इस तरह होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है। ओके हमने उसको 107 पे आउट किया, उसने 60 पे आउट किया। अच्छा तो मतलब आप हार गए यार। सही है ओके 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 थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दे दिया सही है, आप हमारे फ्यूचर क्रिकेटर हैं सही है, थैंक यू सर थैंक यू। जी तो ये तो मेरा कज़न की वो आप कह सकते हैं कि 7 ईयर्स की स्टोरी है सही है और इंशाल्लाह वो आगे भी कामयाबी होगा। और दूसरी बात अभी मैं आया था पिशावर अरबाज नियाज क्रिकेट स्टेडियम में और इसके अलावा आई थिंक ये अभी कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस में है, होप सो जी तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हो जाए इंशाल्लाह, इसके बाद फिर पिशावर भी PSL जिस तरह बाकी मतलब मुल्तान लाहौर कराची इंटरनेशनल मैचेस PSL वगैरह होस्ट करते इस तरह हमारा पिशावर भी PSL होस्ट करेगा इंशाल्लाह। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो,